आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूं आज 27 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था मैंने, उस सवाल का ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा आपका, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर बहुत सारे बच्चों ने वैसे तो बहुत सारा डिटेल से उसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सही सटीक आंसर बताना है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो इस सवाल का ठीक आंसर था हरिशयन। एक्चुअली हरिशयन और तिल भट्ट ये दो थे, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति जो आपका अभिलेख था उसको लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को उसी प्रयाग प्रशस्ति पे 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है ना वो वीणा वादक या वीणा बजाते हुए अपने सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा प्रकार के सोने के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन भी विंसेंट ने इनको कहा था। बहुत गजब की इन्होंने नीतियां अपनाई थी। एक छोटा सा 30 मिनट का मेरा वीडियो है, हालांकि बहुत पुराना वीडियो है मेरा समुद्रगुप्त का बनाया हुआ, लेकिन हाँ कंटेंट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। अगर आप सर्च करके उसको आपको मिलता है तो आप देख सकते हैं, कंप्लीट जानकारी समुद्रगुप्त की आपको मिल जाएगी स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल के हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में कहीं मिल भी जाए आपको वो। आइए सेशन की शुरुआत में, अगला करंट अफेयर आज का पहला हमारा है कि हरियाणा पुलिस कर्मियों के लिए कितने रुपए तक के मासिक मोबाइल भत्ता देने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा मोबाइल भत्ता दिया जाएगा पर मंथ इनको 400 रुपए। मुख्यमंत्री जी ने आज पंचकुला के अंदर, ठीक है ना, मतलब ये कल के दिन की बात है, तो पंचकुला में एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों के लिए 400 रुपए तक मासिक मोबाइल भत्ता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही थाना के मुंशी को आतिथ्य सत्कार के लिए 3000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मुंशी को 3000 रुपये प्रति माह किसके लिए? आतिथ्य सत्कार के लिए। कोई बाहर से आता है तो उसको चाय पानी सेवा करने के लिए 3000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे मुंशी को स्पेशली। अच्छा ठीक है, ये तो बात सही है, पर आज का जो अपना अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना वो ये है कि अभी रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ये प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन है किससे रिलेटेड? जैसे कि ये जो नशा तस्कर होते हैं, अपराधी होते हैं जितने भी, इन सभी की जानकारी को इकट्ठा करके नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की सहायता बन के काम करेगा ये। एक्चुअली आपको सबको अच्छे से पता होगा, कल ही के दिन पंचकुला के अंदर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस मनाया गया था नशे को रोकने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में इसका नाम दिया गया था। और जितने भी हरियाणा के अंदर पुलिस पदाधिकारी और हरियाणा के अंदर अलग अलग थाने के अंदर तैनात SHO है, इन सभी के साथ पंचकुला के अंदर संवाद किया गया और वहीं पर एक प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ये प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली पुलिस वालों का जितने भी नशा तस्कर हैं उन सभी को रोकने या अवैध तरीके से जो नशा तस्करी करते हैं या मादक पदार्थों पे या नशीली दवाएं वगैरह सीमावर्ती राज्यों में इधर उधर जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही भी है कि नशा मुक्ति हरियाणा अभियान के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसमें सभी सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्थाएं, सरकार के प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी तथा संबंधित विभाग के प्रतिनिधि है ना वो हिस्सा लेंगे इसमें, ताकि हरियाणा के अंदर नशा मुक्ति का अभियान जोरों शोरों से चलाया जा सके। हरियाणा के अंदर जितने भी पकड़े गए पदार्थ थे, जैसे नशीली गोलियां थी, कैप्सूल था, गांजा था, इंजेक्शन, अफीम, हीरोइन जैसे खेप की बड़ी मात्रा है, अंबाला रेंज के 25 करोड़ रुपए और हरियाणा से लगभग 101 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों को अभी इसी मौके के ऊपर हरियाणा सरकार के द्वारा आग में डाला गया था, मतलब इनको नष्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया इन मतलब नशीले पदार्थों को बेसिकली, ठीक है। अच्छा ये तो बात ठीक है, समझ में आती है। तो ये स्वास्थ्य डिपार्टमेंट किसके पास में आता है हरियाणा का? तो हरियाणा का स्वास्थ्य डिपार्टमेंट आपको याद रखना है आता है हरियाणा के अनिल विज मंत्री के पास में आता है, याद रखना। वैसे तो अगर आप लोग स्टार आईक्यू चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने आप लोगों को कल रात को 9:30 बजे एक सेशन लिया था, इसमें मैं टॉपिक वाइज हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। आपने अगर नहीं देखा है वो सेशन तो देख लेना,
उसमें मैंने जैसे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और हेल्थ इनसे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर पढ़ाए थे आपको, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मैं अभी रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक जैसे आप लोगों से अगर पूछा जाए कि कैंसर की सटीक दवा के लिए देश का पहला रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनेगा, तो आपका जवाब रहना चाहिए ये बनने वाला है झज्जर के अंदर। मैंने आपको बीते दिनों के करंट अफेयर में पढ़ाया था, हरियाणा में पहली बार दिल्ली IIT की 50 एकड़ की ब्रांच यहाँ पे आने वाली है। एक सवाल आपको इम्पॉर्टेंट याद होगा, गर्ल्स के अंदर विटामिन डी है, उसकी कमी को खोजने के लिए, उस कमी की समस्या का समाधान खोजने के लिए, क्योंकि देखो गर्ल्स में विटामिन डी की कमी अक्सर देखने को मिलती है, इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हरियाणा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ना उसके लिए एक टीम या टास्क फोर्स है ना वो गठित करेगी। इसके अलावा एक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नेशनल लेवल का नेशनल आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट अगर आपसे पूछ लिया जाए, नेशनल आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट या इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है ना, ये हरियाणा में कहाँ पे बनेगा, तो ये याद करना आप लोग, हरियाणा के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में बनेगा ये। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर जो है ना ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसको बेसिकली कायाकल्प योजना के तहत सबसे पहला अवार्ड मिला, तो कायाकल्प योजना में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल हरियाणा का पानीपत है, और अगर बेस्ट सिविल हॉस्पिटल ओवरऑल, ये कायाकल्प का मतलब है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नई मेडिकल मशीनें आई है, फैसिलिटीज़ अच्छी हुई है, तो उस मामले में चेंजेस जो किए हैं ना उसमें टॉप पे आया है। लेकिन वैसे ओवरऑल हरियाणा में सबसे बेस्ट आपका सिविल हॉस्पिटल जो है ना वो कहाँ का है, वो अंबाला कैंट का है, अंबाला छावनी का है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, हरियाणा के अंदर ना सबसे बड़ा एक जो हॉस्पिटल, ना केवल हरियाणा का बल्कि भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना, वो 24 अगस्त के दिन उद्घाटित हुआ था 2022 में, और ये था अमृता देवी अस्पताल फरीदाबाद के अंदर हरियाणा में, ठीक है। इसके अलावा एक घोषणा भी थोड़े दिन पहले हुई थी, भगवान परशुराम जी जो है ना, भगवान परशुराम जी के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा, ये बनेगा कैथल के अंदर। ये भी अभी थोड़े दिन पहले करनाल के अंदर एक भगवान परशुराम जी का महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह आयोजन हुआ था, उसके दौरान जो है ना इसकी घोषणा की गई थी, तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए आगे जाते हैं, अगला करंट अफेयर आपके लिए क्या रहता है, अगला करंट अफेयर आपका है कि हरियाणा, ये तो क्वेश्चन आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। अच्छा, मैं बैक पे जा रहा था, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि किस जिले में घग्गर नदी में फंसी महिला को बचाने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पुरस्कार स्वरूप 3,15,000 रुपये नगद राशि और प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है, तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा पंचकुला। आपको पता है पंचकुला के अंदर अभी रिसेंटली नदी में उफान आ गया था, घग्गर नदी में, और वहाँ पे एक महिला गाड़ी समेत फंस गई थी, वीडियो भी वायरल होते तुमने देखा होगा। तो कुछ गांव के लोग थे, 15 लोगों ने, 14 पुरुष और एक महिला ने साहस दिखाया और उस महिला की जान बचाई, और इसी करके मुख्यमंत्री जी ने उन्हें 3,15,000 रुपये की नगद राशि, तकरीबन 21,000 रुपये प्रति व्यक्ति को देने की घोषणा की है। अभी ये 25 जून की बात है, ठीक है ना, 25 जून की सुबह की बात है, 9:30 बजे पंचकुला की एक महिला श्रीमती संगीता बजाज 69 साल की है ये, और ये बेसिकली अपनी गाड़ी के सहित पूजा करने के लिए खड़क मंगोली नदी में फंस गई थी। इस दौरान अचानक से नदी में ज़्यादा पानी आने के कारण यह महिला गाड़ी सहित नदी में बहने लगी। यहाँ पे जो खड़क मंगोली के आसपास 15 व्यक्ति, 14 युवक और एक युवती ने अदम्य साहस दिखा के इस महिला को काफ़ी मशक्क़त के बाद नदी से बाहर निकाला, और इसी करके जो है ना इनकी हर जगह प्रशंसा भी हो रही है। इनमें से ये नाम है इनके, विक्रम, पुत्र पालीराम, किशन, सोनू, सुनील, पप्पू, छोटेलाल, रक्षपाल, सलीम, महेंद्र, जितेंद्र, संजू, रणजीत, अनिल, बबलू और ममता। तो महिला को बचाना या साहसिक काम करने के चलते इनको 3,15,000 रुपये की नगद राशि और के साथ प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। वैसे आजकल ये काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही है, लोग दमखम दिखाने के लिए पानी के अंदर से अपनी गाड़ियों को निकालते हैं, थोड़े बच के रहा करें, बहुत ही टफ कंडीशंस रहती है ये वाली। हाल ही में सीएम के मीडिया सलाहकार किसे बनाया गया है, तो सीएम के मीडिया सलाहकार बनाया गया है अमित आर्या को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़े फेरबदल हो रहे हैं हरियाणा में, सीएमओ में बदलाव हुआ है, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्या जो है ना इनकी चंडीगढ़ की वापसी हुई है, ये मुख्यमंत्री के सीएम के मीडिया सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। अमित को हरियाणा सीएमओ में बड़ी जिम्मेदारी के रूप में ये पद दिया किसने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजेश खुल्लर ने। दिल्ली के हरियाणा भवन में राजीव जेटली अमित आर्य की जगह लेंगे, मतलब पहले राजीव जेटली थे, अब अमित आर्य बन चुके हैं इस पद पे।
इनके ये ऑफर लेटर या जारी किया गया है अभी रिसेंटली, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में किस जिले की छात्रा मुस्कान ने गोल्ड मेडल जीता है? तो मुस्कान ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, कौन से जिले से रहने वाली है ये? तो ये हरियाणा की रहने वाली है, रोहतक जिले की, ठीक है ना, रोहतक जिले की है मुस्कान, और इन्होंने अभी हाल ही में अवार्ड जीता है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मुस्कान गांव बहु अकबरपुर की रहने वाली है ये, और इसके साथ साथ जो है ना इन्होंने जो ये गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल बहुत ज़्यादा पैसे होने के बावजूद, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे ना होने के बावजूद भी जो है ना इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, मतलब अदम्य साहस ही है इनका एक प्रकार से, ये भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करें हम लोग जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। लाइक जैसे एक तो मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि रानी रामपाल को आप लोग जानते होंगे, इनके नाम पे लखनऊ के अंदर रानी ट्रफ्स हॉकी स्टेडियम बनाया गया, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि 10वीं ड्रैगन बोट नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, 10वीं ड्रैगन बोट नेशनल चैंपियनशिप ये हुई थी सुखना लेक में, जो कि चंडीगढ़ के अंदर पड़ती है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, हमारे भारत की पहली तीरंदाजी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ना वो कहाँ पर बनेगा, पूरे भारत का सबसे टॉप हाई परफॉर्मेंस का एक सेंटर बनने वाला है वो कहाँ पे बनेगा, वो सोनीपत के अंदर बनेगा। सोनीपत में एक राई स्पोर्ट्स स्टेडियम भी अभी, सॉरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनी है, जिसके वीसी का नाम एसएस देसवाल है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना अभी थोड़े समय पहले की बात है कि 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी, 69th नंबर की जो है ना पुरुष कबड्डी, नेशनल लेवल की पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी, तो कौन से जिले के अंदर हुई थी, ये हुई थी चरखी दादरी के अंदर हुई थी, ठीक है ना, चरखी दादरी के अंदर हुई थी, ये बात भी आपको याद रखना। अच्छा, इसके अलावा आप लोग ये भी याद कर सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो है ना टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन जो है ना किसके अंदर हुआ था, तो हरियाणा की पहली, मतलब हरियाणा की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ था, तो ये हुआ था पंचकुला के अंदर हुआ था, और टेबल टेनिस फेडरेशन के जो अध्यक्ष है मेघना अहलावत है, दुष्यंत चौटाला की पत्नी है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना 57th नंबर की सीनियर हरियाणा स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, ये थोड़े समय पहले मैंने पढ़ाया था, 57वें नंबर की हरियाणा स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप जो है ना ये हुई थी अंबाला के अंदर हुई थी, ये भी बात आप याद कर सकते हैं डियर, ठीक है ना। और पहली बार ओपन जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप का ये आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ पे, करनाल जिले के अंदर हुआ था आपका, ठीक है। चलिए सर, इसी के साथ में हम लोग ये सेशन तो करते हैं वाइंड अप, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत दूरदर्शा लिखी है, बताइए इसके बारे में। और जून मंथ की एंड सेल चल रही है, ठीक है ना, 30 जून तक सेल आपकी वैलिड है फिलहाल के लिए, सीईटी मेंस का बैच आप ले सकते हो, 1100 से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसमें तो अब हिंदी के एमसीक्यू भी आपके लिए ऐड कर दिए गए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मेन बैच में तो नहीं थे पर हिंदी के भी पीवाईक्यू बैच में ऐड कर दिए गए हैं, तो आप बैच को बिल्कुल बिना संकोच की ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट ही आपको दिया जा रहा है, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप इनको लॉगिन कर सकते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।